वाले हैं फालसे का फ्रेश जूस, बहुत ही इजी मेकिंग है और फास्ट मेकिंग है। हमें इसके लिए चाहिए फालसे, फालसे डाल दिए उसमें, फिर हमने डाले आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रा डिजॉल्व जल्दी हो जाती है और मुँह में ज़रा थोड़ा सा भी जो कसर होती है वो भी नहीं रहती। फिर हम इसमें डालेंगे काला नमक, एज योर टेस्ट, आपका जिस हिसाब से टेस्ट है आप डाल सकते हैं, मेरा जितना था मैंने उतना डाल दिया। फिर हमने डालना है इसमें थोड़ा सा मिंट, अगर मिंट लीव आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मतलब मज़े का है। इसमें हमने मिंट डालना है, फिर अपने पानी डाल देना, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप छान लें, इसका पानी निकाल लें। छानने के बाद इसको क्या करना है आपने, फिर जो मेरा तरीका है वो आपने फिर इसको ब्लेंडर में डाल देना है, जो उसका वाटर होगा उसके अंदर आइस डालनी है और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। ठंडा ठंडा पीने का बहुत मज़ा आता है। अब बारी है पॉर करने की, अब हम इसको डालेंगे ग्लासेस में प्यारे प्यारे तरीके से। डालने के बाद आपके पास मिंट लीव होंगे वो आपने डाल दीजिएगा, एज अ डेकोरेशन डालिएगा। उप्स, ये तो डूब गए हैं, खैर इनको डूबने दीजिए, आप इसमें स्ट्रॉ लगाइए और पिए, मज़े कीजिए। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी। अब ये हो गई हमारे ब्यूटीफुल सर ड्रिंक तैयार, इट्स रियली टू मच डिलीशियस। हमने लेना है बॉयल वाटर, अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तो उसमें हमें थोड़ा सा फालसे डाल देने हैं। जो फालसे डालेंगे तो ध्यान रखना सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ उन्हें सॉफ्ट करना है उसको बस, फिर हमने निकाल। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हमने उसको ब्लेंडर में डाल देना है, फिर ब्लेंडर से हमने उसको ब्लेंड कर देना है अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे से छान लेना, थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल दें आप। स्टेन किया हुआ जो वाटर होगा ना इसका, वो आपने थोड़ा कम पानी डालना है ताकि थोड़ा सा थिक रहे। और फिर आपने चीनी लेनी है, चीनी में ये जो आपने जो छाना हुआ होगा वो आपने इसमें डिजॉल्व कर देना अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से आपने हिलाना है। हिलाने के बाद जो इसके बच जाएंगे ना, जो इसके वो बन जाएंगे, फॉर्म बन जाएगी या इसकी झाग आ जाएगी, वो आपने बाहर निकाल देनी है, इससे बाहर निकालते रहना और फिर अच्छे तरीके से इसको हिला। जब ये बन जाएगा, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको आपने किसी बोतल में पोर कर लेना है। अब हम इसको बनाने वाले हैं, इसमें 1 या 2 आप टेबल स्पून डाल लें जूस के, और काला नमक डाल लें एज योर टेस्ट, जितना आपको समझ में आता है आप डाल सकते हैं। फिर इसमें पानी डाल लें, और अगर आपके पास कोई मिंट लीफ पड़ा हुआ तो आप डाल सकते हैं, और इन्जॉय करके आप पी लें और सबको भी पिलाएं। और कोशिश करें कि जिसकी बोतल होगी तो वो फ्रिज में ही रखें, बाहर मत रखिएगा वरना ख़राब हो जाएगी ये, और 1-2 या 2 वीक्स के लिए हो सकता है ये, मतलब रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 हफ्ते के लिए आप रख सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि जल्दी ख़त्म हो जाइए, वैसे मुझे पसंद फर्स्ट वाला ही है जो फ्रेश बने। फिर इसमें